अस्सलाम वालेकुम, आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तालत से बिजनेस फाइनेंस के 12वें लेक्चर में हो रही है। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली रेशियो एनालिसिस ही का जो थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया है उसको कवर अप करेंगे एंड इंशाल्लाह इसके साथ ही एक नया टॉपिक जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जो कि वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बिजनेस फाइनेंस है, उसको कवर अप करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूँ, मैं ये चाहूंगी कि हमने जो पिछले लेक्चर में कवर अप किया है उसको थोड़ा सा समराइज कर लें ताकि कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की ड्यूपॉन्ट आइडेंटिटी की। ड्यूपॉन्ट आइडेंटिटी का व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट, कि इससे पहले हमने जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट की थी तो उसमें एक रेशियो थी हमारी रिटर्न ऑन एसेट की और दूसरी रेशियो थी हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी की। और हमने ये देखा था कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट की जो रेशियो थी दैट वाज स्मॉलर देन द रेशियो ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी। तो उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह भी जानने के लिए हमने ये देखा कि हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी के जो कंपोनेंट है उसमें एक कंपोनेंट है इक्विटी मल्टीप्लायर का भी, और वो इक्विटी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट या जो कंपोनेंट है वो हमें बता रहा है कि सर्टन पोर्शन ऑफ द एसेट्स जो है वो फाइनेंस हुए हैं डेट में, लेकिन जब हम टोटल इनकम जनरेटेड बाय द एसेट्स कैलकुलेट करते हैं एज अ रेशियो टू द इक्विटी तो वो हमारे पास ज्यादा आ जाता है, क्योंकि इक्विटी कंट्रीब्यूशन थोड़ी है और टोटल एसेट्स जो हैं उसमें कंट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद है क्रेडिटर्स की भी, जो हमने लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, और उसमें इक्विटी होल्डर या ओनर्स की भी कंट्रीब्यूशन मौजूद है। तो इसलिए हमने ड्यूपॉन्ट कंपनी ने ये कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ वेरी गुड मेजर टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म, लेकिन अगर किसी फर्म की किसी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी की रेशियो कम है तो उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या हैं, ताकि उन कंपोनेंट्स को अलग-अलग हम देख सकें और फिर ये देखेंगे इन दो या तीन जो भी कंपोनेंट्स हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है दैट नीड सर्टन इम्प्रूवमेंट। तो उसमें हमने ये कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी को जैसे कि हम पहले भी डिफाइन करते हैं कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द ओनर्स इक्विटी, उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं तीन कंपोनेंट्स में। जो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट था रिटर्न ऑन इक्विटी का दैट वाज फोकसिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट मार्जिन। जो दूसरा कंपोनेंट था एसेट टर्नओवर या एफिशिएंसी मेजर, और जो तीसरा था इक्विटी मल्टीप्लायर या फाइनेंशियल लेवरेज का। तो अगर किसी फर्म की ओनर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दैट रेशियो इज लो तो हम इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग-अलग से देखेंगे कि कहीं प्रॉफिटेबिलिटी कम तो नहीं, एसेट टर्नओवर तो कम नहीं, या हमारा फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो थोड़ा तो नहीं। तो जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगी वहां से हम इजीली अपनी करेक्टिव मेजर ले सकते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद हमने बात की इंटरनल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की। तो इंटरनल ग्रोथ में हमने ये कहा कि अगर फर्म जितनी नेट इनकम अर्न करती है वो सारी की सारी इन्वेस्ट कर दे या उसका कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर दे फॉर फ्यूचर ग्रोथ, तो फर्म जो है वो सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ ग्रोथ पे रिलाई कर रही है जो कि इंटरनल ग्रोथ है, इंटरनल सोर्स है, और वो इंटरनल सोर्स जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग। इससे पहले कि हम मजीद इस पर डिस्कस करते हैं हमने दो रेशियोज को डिफाइन किया, एक थी हमारी डिविडेंड पे आउट रेशियो और दूसरी थी हमारी रिटेंशन रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो में हमने ये कहा कि कैश डिविडेंड डिवाइडेड बाय द नेट इनकम, एंड रिटेंशन रेशियो में हमने कहा रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय द नेट इनकम। ओवरऑल हमने ये कहा कि जो हमारी नेट इनकम है उसके सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है कि जो डिविडेंड हम पे कर देते हैं टू द स्टॉक होल्डर्स, और दूसरा है जो कि फर्म रिटेन करती है इन द बिजनेस, और दोनों सम अप करते हैं विच इज इक्वल टू नेट इनकम। इसलिए हमारी जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है दैट प्लस द रिटेंशन रेशियो जो है दे आर ऑलवेज इक्वल टू 100%।
तो इसके इस बैकग्राउंड के साथ जब हमने इंटरनल रेट ऑफ ग्रोथ को कैलकुलेट करना चाहा, तो हमने कहा इंटरनल रेट ऑफ ग्रोथ का हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या है. इंटरनल रेट ऑफ ग्रोथ में वी सिंपली सेड के रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय 1 माइनस द रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो. और हमने अपनी हाइपोथेटिकल कंपनी ए टू जी के लिए इसको कैलकुलेट किया एंड दैट रेशियो वाज 7.23%. उसके बाद हमने डिफाइन किया सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को. जब हम बात कर रहे थे इंटरनल रेट ऑफ ग्रोथ को, तो हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग पे रिलाई नहीं किया. हमने ये नहीं कहा कि कोई लोन या डेट ले रहे हैं हम, या हम कोई नया स्टॉक जो है वो इशू कर रहे हैं. लेकिन जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक दो अजम्पशंस ली. एक अजम्पशन हमारी ये थी कि हमने एक्सटर्नल सोर्स के लिए कोई नया शेयर इशू नहीं करना, और दूसरा ये था कि फर्म जो है एक डेट टू एसेट रेशियो जो है वो मेंटेन करना चाहती है, विच मीन्स कि फर्म जो है वो डेट फाइनेंसिंग पे रिलाई कर रही है. इसके बाद जब हमने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया, तो उसका फॉर्मूला ये था कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय 1 माइनस द रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो. तो हमने अपनी हाइपोथेटिकल कंपनी ए टू जी के लिए जब कैलकुलेट की सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, तो दैट वॉज हायर देन द इंटरनल ग्रोथ रेट. उसकी वजह क्या थी कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में हमने ये अज्यूम किया था कि फर्म जो है वो एक कांस्टेंट डेट टू टोटल एसेट रेशियो को मेंटेन कर रही है, इसलिए उसका जब भी फाइनेंशियल लेवरेज का यूसेज हमारे पास आता है फॉर एनी पर्टिकुलर फर्म, तो उसके नतीजे में ग्रोथ रेट जो है दैट विल बी हायर देन द इंटरनल ग्रोथ रेट. उसके बाद हमने बात की कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. अब जब हम सोर्सेज को देखना चाहते हैं, तो हम फार्मूले को पहले देखते हैं कि हमारे पास सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के फार्मूला में दो ही चीजें हैं, एक है रिटर्न ऑन इक्विटी और दूसरी है रिटेंशन रेशियो. इससे पहले हमने ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में ये कहा था कि हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी के तीन कॉम्पोनेंट हैं, प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्न ओवर और एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल लेवरेज. तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में भी हमारे पास यही तीन सोर्सेज हैं, प्रॉफिट मार्जिन के, एसेट टर्नओवर के, और उसके साथ फाइनली हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज. बस इसके साथ साथ हमारे पास एक फोर्थ फैक्टर एड अप हो गया, और वो है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो या के रिटेंशन रेशियो. तो हमने ये कहा कि हमारे सोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है वो चार है. अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, अगर एसेट टर्नओवर ज्यादा होगा तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, अगर फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो हाई होगा तो हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट भी हाई होगी, और फाइनली अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो लो हो, या हम उसको ये कहते हैं कि रिटेंशन रेशियो हाई हो, तो उसकी वजह से भी हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगी. तो ये तो था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं. तो हम कह रहे थे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं और उसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, और उस एनालिसिस में हमने ये कहा था एक है हमारे पास कॉमन साइज एनालिसिस और दूसरा है रेशियो एनालिसिस, जिसको अभी हमने कम्प्लीट किया. तो आज के लेक्चर में हम ये देखना चाहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हैं. तो उसमें हम ये देखेंगे कि कुछ हमारे पास इस एनालिसिस का इंटरनल यूज है और कुछ जो है वो एक्सटर्नल यूज भी है. तो उसमें हम जिक्र करेंगे कि इंटरनल यूजेस क्या हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजेस क्या हो सकते हैं. फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेंचमार्किंग की, कि जब भी हमने कहीं भी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना होता है तो हम उसको कंपेयर करते हैं अगेंस्ट सर्टन बेंचमार्क या टारगेट्स. तो बेंचमार्किंग जो है हम वो किस तरह कर सकते हैं. और उसके बाद स्लाइटली हम बात करेंगे कि ये सारा एनालिसिस जो हम करते हैं उसका इंटरनली भी हम यूज करते हैं, एक्सटर्नली भी करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स है एनालिसिस में, तो थोड़े से जो कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम है हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे.
और इंशाल्लाह इन द सेकंड हाफ ऑफ द लेक्चर हम एक नया टॉपिक जो है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बिजनेस फाइनेंस उसको हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम आज जो बात कवर अप करेंगे विल टॉक अबाउट कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू क्या है लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक को मजीद आगे लेके बढ़ते रहेंगे तो हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं विद द टॉपिक ऑफ कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो अभी हमने कहा कि कॉमन साइज एनालिसिस भी हम करते हैं और रेशियो एनालिसिस भी करते हैं तो उसकी क्या क्या यूजेज हो सकते हैं तो बेसिकली हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के दो यूजेज हैं एक तो है इंटरनल यूज आपको याद होगा कि जब हमने शुरू भी बात की मैं भी बात की थी तो हमने कहा था कि जो मैनेजर्स हैं बेसिकली दे आर दी वन जो कि एक कॉरपोरेशन को रन कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मैनेजर्स जो हैं जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को यूज करते हैं इंटरनली तो वी कॉल इट एज द इंटरनल यूसेज तो बेसिकली दो जगहों पे हमारे पास इंटरनल यूसेज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बेसिकली है हमारे पास परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ओवरऑल जब भी किसी फर्म की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना होता है तो वी फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स हैं जिसमें हमने कहा था प्रॉफिट मार्जिन रिटर्न ऑन एसेट्स रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये सारी मेजर जो हैं दे आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स इंटरनली टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस इसके साथ साथ इसका एक और यूज भी हो सकता है कि अगर हम किसी ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके मुख्तलिफ डिविजन्स हैं तो हर एक डिविजन की अलग-अलग परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूज कर सकते हैं क्योंकि हर डिविजन अपने स्टेटमेंट्स बनाएगा बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट सेपरेटली डिविजन लेवल पे जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उनको भी यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिविजन ऑफ द फर्म उसके साथ साथ एक और तरीके से भी इंटरनली हम यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उन्होंने करंटली भी फर्म के अफेयर्स को मैनेज करना होता है और उसके साथ साथ फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करनी होती है तो हमारा यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो यूज हो सकता है फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन पर्पसेस फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजर की तो फाइनेंशियल मैनेजर ने भी सेल फोरकास्ट की बेस के ऊपर और दूसरी इन्वेंट्री फोरकास्ट और दूसरी करंट एसेट फोरकास्ट के ऊपर बेस करके एक कैश बजट बनाना होता है जो कि एक डिवाइस है फॉर द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द कैश उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट करने होते हैं कि इन फ्यूचर हमारे कैश इनफ्लोज क्या होंगी और हमारे कैश आउटफ्लोज क्या होंगे उसके साथ साथ जब भी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग की तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग जो है हमेशा बेस करती है ऑन सर्टेन प्रोजेक्शंस तो उन प्रोजेक्शंस को वैलिडेट करने के लिए उनकी ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश करने के लिए हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो हेल्प आउट करता है टू द इंटरनल मैनेजर्स उसके बाद आ जाती है हमारे एक और कैटेगरी कि यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो एक्सटर्नली भी यूज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द स्टेक होल्डर्स क्योंकि हमने आपको याद होगा कि पिछले चंद एक लेक्चर्स में बात की थी कि स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स जो हैं वो थे ओनर्स ऑफ द फर्म बट देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं विद द फाइनेंशियल एंड अदर अफेयर्स ऑफ द फर्म्स तो ये जो है हमारे स्टेक होल्डर्स उसमें हम बात करते हैं हमारे कस्टमर्स वो भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे क्रेडिटर्स आर आल्सो द स्टेक होल्डर्स हमारे सप्लायर्स आर द स्टेक होल्डर्स और उसके साथ साथ जब हम स्टेक होल्डर्स की ही कैटेगरी में मुख्तलिफ लोगों को डालते हैं तो हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो भी इसी कैटेगरीज में आ जाते हैं तो अगर हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कस्टमर्स की तो हमारे कस्टमर भी एक कैटेगरी ऑफ द स्टेक होल्डर्स है
कि कस्टमर ये देखना चाहेंगे कि फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो है वो फर्म के क्या है, फर्म जो है वो कितना ग्रो करेगी और किस किस किस्म की वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो हमें पेश कर सकेगी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एफिशिएंसी लेवल, ये सारा कुछ जो है वो कस्टमर्स हमेशा जो है वो देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, कि अगर फर्म जो है एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मेंटेन करती है तो वेरी कॉन्फिडेंटली कस्टमर्स ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स फर्म जो है इज इन अ पोजीशन टू सर्विस बेटर विद मोर डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमारी अगली कैटेगरीज ऑफ द स्टेक होल्डर आ जाती है, जैसे हम बात करते हैं सप्लायर्स की, तो सप्लायर्स में आ जाते हैं हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स, वो सप्लायर्स जिन्होंने हमें सप्लाई किया है ऑन क्रेडिट। अब उनका इंटरेस्ट किस में होगा? उनका इंटरेस्ट ये होगा कि हमारी फर्म जो है उसकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इतनी है कि जब हमारी अमाउंट पेएबल ड्यू हो तो फर्म जो है वो उस वक्त उस अमाउंट को पे कर सके। उसके साथ साथ सप्लायर जो है वो ऑफ कोर्स ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द फर्म पे भी फोकस करेंगे, वो देखना चाहेंगे कि उनके फ्यूचर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स विद आर फर्म जो है वो कितने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगली कैटेगरी आ जाती है जिसमें हम बात कर रहे हैं कंपेटिटर्स की, तो कंपेटिटर्स जो हैं वो भी ये देखना चाहेंगे कि हमारी फर्म की परफॉर्मेंस क्या है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, क्योंकि उन्होंने कम्पीट करना है हमारी फर्म के साथ मार्केट प्लेस में। तो अगर हमारी फर्म तेजी से ग्रो कर रही है तो दे विल ट्राई टू सी कि उनका मार्केट शेयर कितना श्रिंक हो रहा है, या अगर हमारी फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, श्रिंक कर रही है, तो दे वुड लाइक टू सी कि उनका मार्केट शेयर जो है वो कितना बढ़ेगा। इसी तरह वो अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने के लिए, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए, दे विल ऑलवेज कीप एन आई ऑन आर परफॉर्मेंस, हमारी क्या एक्टिविटीज है, हमारा फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, ये सारी चीजों को हमारे कंपेटिटर्स जो है वो हमेशा दे विल कीप इन माइंड। फिर उसके साथ साथ जो है एक्विजिशन ऑफ द फर्म इज अनदर इशू, कि नॉर्मली अगर हमारी फर्म की परफॉर्मेंस जैसे रिफ्लेक्टेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज वी, सो दैट इज एन इंडिकेशन कि हमारे कंपेटिटर्स जो है वो हमें टेक ओवर कर सकते हैं। तो एक्विजिशन इज वन थिंग, टेकिंग ओवर इज अनदर थिंग, एंड विद इन टेकिंग ओवर भी हम बात कर सकते हैं कि हॉस्टाइल टेक ओवर, मर्जर्स की बात कर सकते हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस जो हैं कि मर्जर होगा, एक्विजिशन होगी या टेक ओवर होगी, ये डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर और हमारी कंपेटिटर्स या जिन लोगों ने एक्वायर करना है, ये आपकी फर्म को मर्ज करना है, वो हमेशा सबसे पहले देते हैं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ एज एनालाइज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो अभी तक हमने बात की कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ जो है इन कंपैरिजन टू व्हाट, कि हमारे पास सेट टारगेट क्या है जिनके अगेंस्ट हम मेजर करते हैं अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को। तो इस सिलसिले में जब हमने परफॉर्मेंस को मेजर करना है और कंपेयर करना है किसी बेंचमार्क के साथ, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि हम अपने बेंचमार्क्स को किस तरह चूज करते हैं। सो चूजिंग द बेंचमार्क, अब चूजिंग द बेंचमार्क में एक ये हो सकता है कि आप देखें टाइम ट्रेंड एनालिसिस जो कि इंटरनली आपकी अपनी ही फर्म के लिए है, और दूसरा है हमारे पास पीयर ग्रुप एनालिसिस। तो हम शुरू करते हैं कि हमारे पास जो है टाइम ट्रेंड एनालिसिस क्या है, कि हम देखते हैं हिस्टोरिकली हमारी अपनी फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव कर रही है या डिटेरियोरेट हो रही है, और अगर हमारी किसी रेशियो में, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एनालिसिस जो है इज इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो एनालिसिस, तो हमारी रेशियो बढ़ रही है या कम हो रही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रेशियो का बढ़ना या कम होना अच्छी बात है या इट इज सम अलार्मिंग सिचुएशन। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, से कि इफ द करंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज 2.4 फॉर द रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी मे कंपेयर इट विद द करंट रेशियोज फॉर द लास्ट 10 इयर्स, कि अभी तो 2.4 है लेकिन ओवर द पास्ट 10 इयर्स रेशियो का ट्रेंड क्या था।
तो उसके लिए वी मे फाइंड दैट द करंट रेशियो हैज डिक्लाइंड ओवर द इयर्स, कि पहले जो है हमारी करंट रेशियो इवन 2.4 से भी ज्यादा थी. अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में रेशियो हमारी जो है वो 2.4 हो गई है इन द मोस्ट रिसेंट ईयर में. इसकी वजह क्या हो सकती है? करंट रेशियो अगर हमारी कम हो गई है तो ये भी रिफ्लेक्ट कर सकती है कि हमारी करंट एसेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत एफिशिएंट है, हमारी नेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, या फर्म ने अपना वे ऑफ डूइंग द शॉर्ट टर्म बिजनेस जो है वो चेंज कर लिया है. तो जब भी हम बेंच मार्किंग की बात करते हैं तो टाइम ट्रेंड एनालिसिस इज वन थिंग, वो हमें बता रहा है कि रेशियो बढ़ रही है या कम हो रही है. तो अगर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो उसके बाद हम पीछे जाके ये देखना चाहते हैं कि इसकी वजूहात क्या है. तो उसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं पीयर ग्रुप एनालिसिस. तो पीयर ग्रुप एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्म को. अब किसके साथ हमने कंपेयर करना है अपनी फर्म को, किस तरह उन फर्म्स को चूज करना है, उसमें दो तीन तरह की गाइडलाइंस या पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर हम फोकस करें उन्हीं फर्म्स पे जो कि उसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या उनके एसेट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, या वो उसी मार्केट को सर्व कर रही हैं जहां पे हम सर्व कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने एक फर्म को चूज करना है. उसके बाद दूसरा है कि बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग में हम क्या कर सकते हैं कि या तो लीडर ऑफ ऑल दी फर्म्स, कि अगर सारी की सारी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की, तो जो टॉप परफॉर्मर है इन द टेक्सटाइल सेक्टर, हम उस टॉप परफॉर्मर को एज अ बेंचमार्क ले लें कि ये टारगेट है, ये आइडियल है, और उसके साथ हम कंपेयर करें परफॉर्मेंस ऑफ आर फर्म. और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हम एवरेज ले लें कि जब हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें से फॉर एग्जाम्पल 100-120 फर्म्स हैं, तो उन सब की हम एवरेज ले लें और उसको एज ए बंच मार्क ले लें. और नॉर्मली इंडस्ट्री एवरेजेस का डेटा भी अवेलेबल होता है. इसलिए अगर हमने अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो हम उस बेंच मार्क के अगेंस्ट उनको इवेल्युएट कर लेंगे. तो ये तो था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. बस इस एनालिसिस के अंदर देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि हमें हमेशा ही फेस करनी पड़ती है. उसमें से चंद एक प्रॉब्लम्स में से मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम ये है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं ऑफ वेरियस फर्म्स, तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि इन रिपोर्टेड डेटा के पीछे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या थे. कि इन्वेंट्री फॉर एग्जाम्पल, आगे जाके हम देखेंगे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, तो कौन सा मेथड यूज किया गया है इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए. इसलिए इसी तरह हम कहेंगे डिप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज किया हुआ है. तो हम ये हो सकता है कि जो भी हमारी फर्म्स हैं जिनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्री एवरेजेस की बात कर रहे हैं, तो उनके पीछे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो यूनिफॉर्म ना हो. अगर एक फर्म जो है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो दूसरी फर्म जो है मे बी वो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड यूज कर रही है, या डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज कर रही है. तो ये हमें हमेशा डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो एनकाउंटर करनी पड़ती हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो हम ये कहें कि हम ये एनालिसिस कर ही नहीं सकते, हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्तलिफ फर्म्स का जो रिपोर्टेड डेटा है वो 100% सेम प्रोसीजर से रिपोर्ट नहीं हुआ. डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि हमेशा हमें ये इंफॉर्मेशन जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट प्रोवाइड्स सर्टेन गाइडलाइंस ऑन द बेसिस ऑफ विच एक फर्म जो है अपने फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पे फोकस कर सकती है, उसका एनालिसिस कर सकती है और उसको कंपेयर कर सकती है विद द अदर फर्म्स इन द मार्केट. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. जब भी हम किसी बिजनेस फाइनेंस की कोर्स की बात करें या किसी भी फाइनेंस रिलेटेड कोर्स की बात करें तो हमारी डिस्कशन जो है आगे बढ़ ही नहीं सकती जब तक कि हम द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम वैल्यू को कवर अप ना कर सकें. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. हम सब लोग जो है अपनी डेली रूटीन लाइफ में
इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करते हुए डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। उसको चेक करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं आपको ये ऑफर करूं कि आप मुझसे 1000 आज ले लें, या मैं ये कह दूं कि कोई बात नहीं 1000 मैं आपको दे दूंगी लेकिन से आफ्टर वन मंथ, लेकिन मैं साथ अगर आपको चॉइस भी दे दूं कि 1000 आज भी ले सकते हो, एक महीने के बाद भी ले सकते हो, तो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा? बींग अ ह्यूमन बींग, हमेशा हमारे जो ह्यूमन बींग्स है दे रिएक्ट नेचुरली रिएक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन सेइंग कि मुझे आप आज ही 1000 रुपया दे दें। अब इसमें क्या है फिलॉसफी बिहाइंड? वी ट्राइंग टू अवॉइड दिस सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस क्या है? द वेट वी हैव टू मेक फॉर हैविंग 1000 आफ्टर वन मंथ। तो ये तो है जनरल टेंडेंसी। लेकिन अब इसका जब हम फाइनेंशियली एनालिसिस करते हैं तो हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास 1000 आज हैं और 1000 हमें एक महीने के बाद मिलने हैं तो दोनों 1000 बराबर नहीं हैं। न्यूमेरिकली आज भी हमारे पास 1000 रुपए हैं, एक महीने के बाद भी 1000 रुपए ही होंगे, लेकिन वो 1000 रुपए जो हमें एक महीने के बाद मिलने हैं या एक साल के बाद मिलने हैं उनकी वर्थ जो है वो कम है एज कंपेयर टू 1000 जो हमें आज ही मिलना है। तो इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को हम एक और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आज हमारे पास 1000 रुपए हो तो हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं एट सर्टन इंटरेस्ट रेट। और जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल के बाद दे विल ग्रो टू एन अमाउंट जो कि 1000 से ज्यादा होगी। और ये ग्रोथ रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? द इनकम वी आर गोइंग टू अर्न। और वो इनकम नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं कि हम बैंक में डिपॉजिट कर लेंगे ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट रेट है जो हम अर्न करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? वो कहता ये है कि अगर हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी आज है और कुछ अमाउंट ऑफ मनी हमें मिलेगी इन फ्यूचर आफ्टर सम टाइम्स, तो दोनों की वैल्यू जो है ऑल्दो न्यूमेरिकली अमाउंट सेम हो सकती है जैसे मैंने कहा 1000, लेकिन एग्जैक्टली स्पीकिंग उनकी वर्थ बराबर नहीं होती। क्योंकि आज अगर हमें 1000 रुपए मिलते हैं तो हम उसको इन्वेस्ट करके उस पर मजीद अमाउंट अर्न करके साल के बाद वही अमाउंट हमारी ग्रो करके ज्यादा हो जाती है। अब इसी इन्वेस्टिंग द मनी एंड हैविंग मोर मनी इन फ्यूचर से रिलेटेड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है ऑफ द इंटरेस्ट रेट। कि आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्टन इंटरेस्ट रेट अर्न करती है और वो ग्रो करके ज्यादा हो जाती है जब हम प्रिंसिपल में उसको एड अप करते हैं। लेकिन जब हम इंटरेस्ट रेट्स की भी बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट रेट्स हैं। एक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। तो हम अपने डिस्कशन शुरू करते हैं विद सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है सिंपल इंटरेस्ट रेट का? कि इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म हमारा इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमने इन्वेस्ट की है बाय द इंटरेस्ट रेट जो कि हम नॉर्मली परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम पीरियड्स कि कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो हमारे पास तीन कॉम्पोनेंट्स हैं। एक है कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी है, दूसरा ये है कि हमारा इंटरेस्ट रेट नॉर्मली इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम होते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट रेट होते हैं अनलेस अदरवाइज नोटेड। और फिर आता है कि कितने टाइम पीरियड्स के लिए या कितने सालों के लिए, अगर एनुअल है तो कितने सालों के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट का जो हमारा फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट है, फिर हम कहेंगे कि टोटल अमाउंट कितनी ग्रो होती है, तो दैट इज इक्वल टू
कि अगर हम कहें I is our simple interest is equal to P, जहां पे P है हमारी principal amount जो हमने invest की है, into R which is the interest rate, into T which is the time period. तो अगर हमारा interest rate भी per annum है और T जो है वो time period में है, तो हमारे पास I is equal to P into R into T. लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास थोड़ा सा फर्क है फ्रॉम द सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने अपनी एक प्रिंसिपल अमाउंट दी और उसके ऊपर इंटरेस्ट हर साल अर्न होता रहेगा. लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही है. लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि पहले साल जब हमने अमाउंट इन्वेस्ट की तो उसके ऊपर सर्टेन इंटरेस्ट हमने अर्न किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब हमने इन्वेस्टमेंट की तो हमने कोई अमाउंट विथड्रॉ नहीं की. तो अब हमारी अमाउंट इन्वेस्टेड जो है दैट इज द फर्स्ट ईयर की प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, और उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट अर्न होगा. जब हम थर्ड ईयर की बात करते हैं तो थर्ड ईयर में हम क्या इन्वेस्ट कर रहे होंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अर्न एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अर्न. लेकिन फर्स्ट ईयर में जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा. जो सेकेंड ईयर में हमने अर्न किया होगा वो फर्स्ट ईयर की प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड देन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज वेल. इसको अगर हम फॉर्मली लिखना चाहें तो इफ द इंटरेस्ट इज लेफ्ट इन द अकाउंट टू एक्यूमुलेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ऑफकोर्स जब हमने लॉन्गर पीरियड की बात करनी है तो इट शुड बी लॉन्गर देन वन ईयर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली पर एनम हम एक्सप्रेस करते हैं. तो कॉमन प्रैक्टिस रिक्वायर्स दैट आफ्टर इंटरेस्ट इज अर्न एंड क्रेडिटेड फॉर अ गिवन पीरियड, तो नेक्स्ट ईयर में हमारी जो नई सम होगी दैट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अर्न. सो दिस कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमने उसको कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला है I is equal to P into R to the power T. अब इसको जब हम कंपेयर करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा I was equal to P into R into T, multiplicative form. लेकिन जब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं then our I is equal to P into interest to the power T. तो therefore इसकी वैल्यू जो है that will be larger than this simple interest amount. Ab hum, based on this, after introducing this simple and the compound interest, we come to the topic of the future value. Jaise ki shuru mein maine kaha tha ki agar hamare paas aaj kuch amount of money hai, to after one year in future, let's suppose, us amount ko hum agar invest karein, deposit kar dein kisi बैंक में सेफ इन्वेस्टमेंट, तो साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो आज की अमाउंट से ज्यादा हो जाएगी. यानी अगर हम 1000 आज इन्वेस्ट करते हैं और इसके साथ हमें चाहिए कि कोई इंटरेस्ट रेट भी हो, और वो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें बताता है कि ये अमाउंट ग्रो करके कितनी हो जाएगी. तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इज लेट्स सपोज 5% या 10%, तो अगर 1000 आज हम जमा कराते हैं फॉर वन ईयर ओनली, तो साल के बाद हमारे पास कितनी अमाउंट होगी, प्रिंसिपल में हम एड अप कर देंगे जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया है. तो इन अदर वर्ड्स आज की अमाउंट की वर्थ फ्यूचर में ज्यादा होगी और उसी को हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू. इसके लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जैसे कि पहले कहा था हमने कि सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज I इज इक्वल टू P टाइम्स R इनटू T. अब इसमें हम कह रहे हैं कि सपोज हम 1000 रुपीज या 1000 डॉलर्स डिपॉजिट करा रहे हैं और टाइम पीरियड है 3 इयर्स का, और इसमें हम इंटरेस्ट कह रहे हैं 8%. तो हमारे पास जो इंटरेस्ट अर्न होगा सिंपल इंटरेस्ट वो होगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय आर विच इज 0.08 मल्टीप्लाइड बाय टी विच इज 3.
is equal to 240. तो बॉटम लाइन ये है कि $1,000 जो हमने आज डिपॉजिट किए हैं दे विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 240 आफ्टर 3 इयर्स. अब इस 1000 की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी आफ्टर 3 इयर्स? तो दैट विल बी सिंपली कि हमारी प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू. सो हियर वी हैव 1000 प्लस इंटरेस्ट अर्न विच इज 240 इज इक्वल टू 1240. और इसी चीज को हम इन द फॉर्म ऑफ द फार्मूला भी लिख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आरटी. और हमारी इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000. सो वी हैव 1000 प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट 1000 इंटू 0.08 इंटू 3 240. सो द टोटल फ्यूचर वैल्यू विल बी 1240 रुपीज. अब इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें, जनरलाइजेशन में हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं जिसमें हर एक अमाउंट को प्लग इन करने के बाद वी कैन कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू. तो हमारी जनरलाइज फॉर्म में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होगा? इन वन पीरियड केस द फार्मूला फॉर द फ्यूचर वैल्यू कैन बी रिटन एज ए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी नॉट इंटू 1 प्लस आर. जहां पे सी नॉट जो है हमारा कैश फ्लो आज के टाइम पीरियड यानी जीरो के ऊपर, और आर जो है वो हमारा अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट है. अब इसी सिलसिले में अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू फॉर अ लम सम, और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि इफ $100 आर इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट रेट तो फ्यूचर वैल्यू इसकी क्या होगी फॉर ईच ऑफ द कमिंग ईयर. तो पहले साल में हमारे पास क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू होगी 110, जिसमें फार्मूला हमने क्या लगाया, सी नॉट इज 100 इंटू 1 प्लस आर, आर इज 10% और 0.10. सो 100 इंटू 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 110. अभी इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन की थी दैट वाज फॉर द सिंपल इंटरेस्ट. अब ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दिस इज रिलेटेड टू द कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम जो अमाउंट इंटरेस्ट की अर्न कर रहे हैं उसको विदड्रॉ नहीं कर रहे, उसको हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के साथ ही एड अप करते चले जाते हैं. तो दूसरे साल में अब हमारे पास सी नॉट कितनी हो गई, 110 इंटू 1 प्लस 0.10. और इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी नॉट ओरिजिनल ले लें 100 और फिर उसको हम करें 1 प्लस आर टू दी पावर टी. तो हमारे पास आर इज 0.10 और टी अब हमारे पास 2 हो गया. तो वी हैव 100 इंटू 1.10 टू दी पावर 2, तो दैट इज इक्वल टू 121. जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो अगेन आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट इज 121 इंटू 1 प्लस 0.10. या हम जनरल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें हम सी नॉट करके 1 प्लस आर टू दी पावर 3 कर दें. तो अब हमारे पास आ गई अमाउंट के 100 इंटू 1.10 टू दी पावर 3 विच इज इक्वल टू 133.10. और इसका अगर हमने जनरलाइज फार्मूला लिखना है फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट तो द फार्मूला जो है दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. कि जनरलाइजिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर मेनी टाइम पीरियड्स इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू इज सी नॉट इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी. और ये जो फार्मूला अभी मैंने दिया है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी नॉट इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी इज द मल्टी पीरियड फार्मूला. अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इज सिंपल कि हमारी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एंड दैट इज फॉर वन टाइम पीरियड. और अगर हमारे टाइम पीरियड ज्यादा हो जाते हैं वी सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय टी. लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में हमारा हर इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर मजीद इंटरेस्ट आने वाला टाइम पीरियड जो है वो अर्न करता है. तो हमारे पास जो जनरलाइज फार्मूला है फॉर द फ्यूचर वैल्यू फॉर द मल्टी पीरियड केस, कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टी पीरियड, दैट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी नॉट इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी.
तो इस फार्मूला में जैसा कि हमने रिफ्लेक्ट किया ऑन दिस स्लाइड, हमारी सी नॉट इज द कैश फ्लो एट टाइम पीरियड जीरो, यानी के टुडे, जीरो इज टुडे, आर इज द अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट, एंड टी इज द नंबर ऑफ पीरियड ओवर विच द कैश इज इन्वेस्टेड. अब इसी एक्सप्रेशन को जो कि है हमारा 1 प्लस आर टू द पावर टी, हम उसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी कहते हैं. The expression 1 plus r to the power t is also known as the future value interest factor. So, isi example ko, jo ke abhi humne li thi, ke investing 100 at an interest rate of 10 for certain time periods ko, agar hum summarize karna chahe, to we can summarize it in the form of this particular table. So, multi-period case, future value. Pehle column mein, humne years liye hain. और ये हमने कैलकुलेशन की है फॉर द 5 इयर्स ओनली. पहले साल में हमारे पास बिगनिंग अमाउंट है 100, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने अर्न किया है 10, एंडिंग अमाउंट हमारे पास हो गई 110. नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमारे पास बिगनिंग अमाउंट हो गई 110 और उसके ऊपर हमने 10% इंटरेस्ट अर्न किया 11 और एंडिंग अमाउंट हो गई 121, यानी बिगनिंग प्लस द इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल टू द एंडिंग अमाउंट. थर्ड ईयर में हमारे पास बिगनिंग अमाउंट इज 121, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट इज 12.10 और एंडिंग अमाउंट जो है दैट इज 133.10. फोर्थ ईयर में वी स्टार्ट विद 133.10, वी अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 13.31 और एंडिंग अमाउंट है 146.41. और द फिफ्थ ईयर में हमारे पास बिगनिंग अमाउंट है 146.41, उसके ऊपर इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे हैं 14.60 एंड एंडिंग अमाउंट इज 161.05. अब अगर हम देखेंगे टोटल इंटरेस्ट हमने कितना अर्न किया है ड्यूरिंग दिस 5 इयर्स, तो दैट इज एडिंग अप टू 61.05. तो सिंपली हम 100 लेके उसमें सारे टाइम पीरियड्स का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 61.05 ऐड करें तो हमारी एंडिंग अमाउंट आ जाती है 161.05 की. अब इसी टेबल को अगर हम एक बार चार्ट की शक्ल में रिफ्लेक्ट करें तो उससे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग द इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है. तो इस ग्राफ में वी हैव टेकन द सेम डेटा सेट, द मल्टी पीरियड केस फ्यूचर वैल्यू. हमने शुरू किया 100 से, टाइम पीरियड 0 पे हमारे पास 100 है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और y एक्सिस पे हमने फ्यूचर वैल्यू ले ली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. तो फर्स्ट ईयर के बाद हमारे पास कितना हुआ, 100 से बढ़ के 110, और ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है. लेकिन सेकेंड ईयर में हमारे पास टोटल अमाउंट जो है 121 है. अगर हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे ही रहते तो हमारे पास अमाउंट होनी थी 120. तो जो रेड एरिया है बेसिकली दैट इज रिफ्लेक्टिंग कि हमने पिछले साल जो $10 का इंटरेस्ट अर्न किया था उसके ऊपर मजीद जो $1 का इंटरेस्ट अर्न किया है, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय दैट रेड एरिया. थर्ड ईयर में हमारी टोटल जो अमाउंट है, एंडिंग अमाउंट 133.10 है. अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से चलते तो हमारे पास 130 होनी चाहिए थी, लेकिन 3.10 जो रेड एरिया है दैट इज रिफ्लेक्टिंग द इंटरेस्ट अर्न ऑन ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर ऑन द प्रीवियस इंटरेस्ट. तो हमारे जो रेड एरियाज हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट अर्नड ऑन द इंटरेस्ट, जिसको हम कह रहे हैं कंपाउंड मल्टी पीरियड. फोर्थ ईयर में हमारी एंडिंग अमाउंट है 146.41. अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से चलते तो अमाउंट होती 140. सो 6.41 इज द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द प्रीवियस इंटरेस्ट. और फाइनली फिफ्थ ईयर में हमारी एंडिंग अमाउंट है 161.05. अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से चलते तो अमाउंट वुड हैव बीन 150. तो हमारे पास 11.05 जो है दैट इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन द इंटरेस्ट. अब इसको अगर हम देखना चाहें तो इसमें हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं. एक है प्रिंसिपल अमाउंट, एंडिंग अमाउंट के हमारे पास चार कंपोनेंट है. एक है प्रिंसिपल अमाउंट, एक है सिंपल इंटरेस्ट अर्न, एक है इंटरेस्ट अर्न ऑन द इंटरेस्ट, एंड फाइनल हमारे पास आ जाती है एंडिंग अमाउंट. तो इसी चीज को अगर हमने ये देखना चाहें
कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से हमारे फ्यूचर वैल्यू पे क्या असर पड़ता है. तो ये जो है हमने रिफ्लेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. और सिंपली अगर हम देखें कि जितना हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा होता चला जाएगा तो हमारी अमाउंट जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी. सो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस ग्राफ हियर कि टाइम हमने लिया है एक्स एक्सिस पे और फ्यूचर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ $1 ओनली ऑन द वाई एक्सिस. तो जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट 0% है तो हमारे पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है. 5% है तो लाइन इज इंक्रीजिंग. 10% से इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट, 15% से और तेजी से और 20% से मजीद तेजी से बढ़ती है. तो इसका मतलब ये है कि जूं जूं इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता चला जाता है हमारा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बढ़ जाएगा और हमारी अमाउंट अर्न जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी. इसी चीज को अगर हम एक और ग्राफ में दिखाना चाहें तो वी हैव रिफ्लेक्टेड दैट फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंडिंग. और इसमें अगर हम एक 40% का इंटरेस्ट रेट ले, बात वो हमारी जो चल रही है वो फ्यूचर वैल्यू ही की है लेकिन हम उसमें कॉन्सेप्ट एड अप कर रहे हैं कंपाउंडिंग का कि जो जो हमारा इंटरेस्ट रेट हायर होता है अमाउंट बढ़ती है लेकिन जो जो नंबर ऑफ पीरियड कंपाउंड पीरियड बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट अर्नड ऑन इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ता चला जाता है. और इसी चीज को हमने इस ग्राफ में रिफ्लेक्ट किया है कि हमारे पास आज अगर 1.10 है तो 1 year के बाद वो 1.54 हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट इज 40%. और 5th year में $1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 5.92 अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट इज 40%. और इसका एक और हल है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द कैलकुलेशंस हमारे पास फ्यूचर वैल्यू टेबल्स जो है दे आर नॉर्मली अवेलेबल. तो हम क्या करते हैं कि उन टेबल से डेटा लेके वी मल्टीप्लाई इट बाय द प्रिंसिपल अमाउंट एंड वी गेट द एंडिंग वैल्यू. तो एक हमने छोटा सा पोर्शन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू टेबल जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 में हमारे पास इंटरेस्ट रेट है. तो अगर हम लेट्स सपोज देखना चाह रहे हैं कि 10% के ऊपर 5 years में इंटरेस्ट अर्न करना है हमने तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होगा. तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.6105. तो सिंपली अभी जो हमने पीछे एग्जाम्पल ली है इन ऑर्डर टू डू ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशन हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिसमें हम कहते हैं 1+r^t. वही फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो कि 1+r^t जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. तो यहाँ पे हम 5 time periods ले लेंगे. 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारी वैल्यू इज 1.6105. तो हम सिंपली 100 को लेके मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1.6105. सो विल गेट द सेम वैल्यू. सो दैट इज अ शॉर्टकट टू द कैलकुलेशंस बाय यूजिंग द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करूं मैं ये चाहूंगी कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कशन शुरू की ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही रादर इट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कशन. तो उसमें हमने बात की कि हमारे पास जो है इंटरनल ग्रोथ रेट क्या होता है और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होता है. और फिर उसमें हमने बात की कि हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होती है और रिटेंशन रेशियो क्या होती है. तो जब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरनल ग्रोथ रेट तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये है कि हमारे पास इंटरनल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो एंड दैट अगेन डिवाइडेड बाय 1 - द रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो. तो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो सिर्फ रिटर्न ऑन एसेट्स है और रिटेंशन रेशियो है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे पास ग्रोथ का एक ही सोर्स है एंड दैट इज द इंटरनल. वो इंटरनल सोर्स है कि जो कंपनी ने अर्निंग्स रिटेन की है इन द बिजनेस. दूसरी तरफ जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें हम अज्यूम करते हैं कि फर्म जो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो ऑफ डेट टू टोटल एसेट्स मेंटेन करना चाहती है. तो इस सिलसिले में इस पर्सपेक्टिव में जब हम कैलकुलेट करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट
So that is equal to return on equity multiplied by the retention ratio divided by 1 minus the return on equity multiplied by the retention ratio. तो अब हमारे पास sources जो है वो internal भी है external भी है. और अगर हम overall sustainable growth rate के sources को देखना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास profit margin is one, then operating efficiency in the form of the asset turnover and finally उसके बाद हमारे पास आता है financial leverage and the retention ratio. फिर हमने बात की कि हमारी ये जो financial statement analysis है इनके internal uses भी हैं और इनके external uses भी हैं. Internally managers इनको use करते हैं for performance evaluation और making the future plans. Externally हमारे जो suppliers हैं वो firm की credibility judge करने के लिए financial statement analysis को देखते हैं. हमारे जो creditors हैं वो हमारी financial health देखने के लिए हमारी financial statement analysis को देखते हैं. हमारे competitors जो हैं वो अपना marketing plan बनाने के लिए और future expansion and growth prospects देखने के लिए हमारी financial statement analysis को देखते हैं. और इसी के साथ साथ mergers, takeovers and acquisitions जो हैं वो भी बेस करती हैं हमारी financial statement analysis ही के ऊपर. लेकिन फाइनली हमने ये कहा कि ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंटरनली भी यूज होता है एक्सटर्नली भी यूज होता है. लेकिन ऑफ कोर्स इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं. और वो प्रॉब्लम्स में हमने ये कहा कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं दे डू नॉट नेसेसरली फॉलो द सेम प्रोसीजर्स. लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रोसीजर्स आर डिफरेंट स्टिल हम रिलाई कर सकते हैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और फाइनली हमने आज के लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फाइनेंस को डिस्कस करना शुरू किया विच इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इस सिलसिले में हमने बात की सिंपल इंटरेस्ट रेट की और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की और उसके बाद हमने बात की फ्यूचर वैल्यू की. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को मजीद आगे लेके बढ़ेंगे और हम डिस्कशन शुरू करेंगे present value and the other related concept. To aaj ke liye Dr. Talat ko ijazat dijiye. Allah Hafiz.